हे गाइस, वेलकम बैक टू फ्लाई हाई एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं 2.4। क्वेश्चन नंबर 1। अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8। The result now obtained is 3 times the same number she thought of. What is the number? Question says, Amina ने एक number सोचा है और उस number में से 5/2 को subtract किया है। Subtract किया है मतलब minus किया है। Then उसका जो result आया है उसने 8 से उसको multiply किया है। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ। तो जो रिजल्ट आएगा वो 3 टाइम्स आएगा जो उसने नंबर सोचा था। तो हमें बताना है व्हाट इज द नंबर, नंबर क्या है। तो हम मान लेते हैं कि जो उसने नंबर सोचा है वो x है। लेट द नंबर बी x. Now, according to question, question में क्या बोला गया था? अमीना ने एक नंबर सोचा है जिसमें से वो 5/2 को सब्ट्रैक्ट करती है। तो जो नंबर था वो x था। इसमें से अगर हम 5/2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं और इसके रिजल्ट को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें जो रिजल्ट ऑप्टेन होगा वो जो नंबर उसने सोचा है उसका 3 टाइम्स होगा, मतलब 3x होगा। अब हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 8 का x में इनटू 8x हो जाएगा। 8 का 5 में इनटू 8 5 40 अपॉन 2 इक्वल्स टू 3x। नाउ अब हम इसको यहीं पे सिंपलीफाई कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0 का 0। Now 8x minus 20 equals to 3x। अब हम x को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं और डिजिट्स को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। सो 8x प्लस का 3x लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस 3x हो जाएगा और माइनस 20 राइट हैंड साइड में जाके प्लस 20 हो जाएगा। 8x में से हम 3x को माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 5x equals to 20। Now x equals to 20 upon 5. 5 1s are 5, 5 4s are 20. तो जो हमारी x की वैल्यू होगी वो होगी 4। Hence the number is 4. Question number 2. A positive number is 5 times another number. If 21 is added to both the numbers, then one of the new numbers become twice the other new number. What are the numbers? Question says, एक positive number है जो दूसरे number का 5 times है. Let the another number be x. जो positive number है वो उसका 5 times है. So पॉजिटिव नंबर भी 5x। इफ 21 इज एडेड बोथ द नंबर्स, अगर हम दोनों नंबर्स में 21 को ऐड कर देते हैं देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। जो अदर न्यू नंबर है दूसरा वाला नंबर उसके ट्वाइस होगा। तो हमें बताना है कि नंबर्स कौन से हैं। सो लेट अनादर नंबर भी 5x। और उन्होंने क्या बोला है, जो पॉजिटिव नंबर है वो उसका 5 टाइम्स है। तो हमारा पॉजिटिव नंबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर भी 5x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां हम पॉजिटिव नंबर रख लेते हैं और यहां अनादर नंबर। तो क्वेश्चन में बोला गया था अगर हम 21 दोनों तरफ ऐड कर देते हैं तो प्लस 21
एन प्लस 21, तो जो हमारा न्यू नंबर है वो पहले वाले से ट्वाइस है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2। नाउ अब हम सॉल्व कर लेते हैं, 5x प्लस 21, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 2 का x में इंटू 2x और 2 का 21 में इंटू 42। नाउ x की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं और डिजिट्स को राइट हैंड साइड में। सो 5x प्लस का 2x लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस का 2x हो जाएगा, 42 प्लस का 21 राइट हैंड साइड में जाके माइनस 21 हो जाएगा। नाउ 5x में से 2x जाएंगे तो बचेंगे 3x और 42 में से 21 जाएंगे तो बचेंगे 21। नाउ x 21 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 3, 3 7 21, तो जो हमारी x की वैल्यू होगी वो होगी 7। Hence another number भी सेवन एंड पॉजिटिव नंबर भी पॉजिटिव नंबर था हमारा 5x, सो 5 × 7, तो जो हमारा पॉजिटिव नंबर होगा वो होगा 35। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-डिजिट नंबर इज 9। When we interchange the digits, it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27. What is the 2-digit number? Question says कि 2-digit का sum. Suppose करिए आपके पास कोई 2-digit है और उसका sum है 9. When we interchange the digits, और जब हम digits को interchange कर देते हैं, तो ये देखा गया है कि जो न्यू नंबर का रिजल्ट है वो ओरिजिनल नंबर से 27 ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है मतलब ज्यादा है। तो हमें बताना है व्हाट आर 2-डिजिट्स नंबर, तो हमारे जो 2-डिजिट्स नंबर होंगे वो क्या होंगे। देखिए 2-डिजिट नंबर बोला गया है मतलब कि अगर मैंने ये लिखा है 78, एक्सपेंड कैसे करूंगी मैं इसको, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 70 + 8, देन इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 10 × 7। सो लेट द यूनिट प्लेस बी एक्स, देन द टेंस प्लेस बी नाइन माइनस एक्स। अब आप बोलेंगे ये 9 माइनस एक्स कैसे आया। देखिए क्वेश्चन में बोला गया था कि 2-डिजिट का सम जो है वो इक्वल्स टू 9 है, तो अगर हम 9 माइनस एक्स करेंगे तो ये हमारी टेंस प्लेस की डिजिट आ जाएगी। नाउ 2-डिजिट नंबर इक्वल्स टू 10, टेंस प्लेस डिजिट प्लस यूनिट प्लेस डिजिट, तो जो हमारा ओरिजिनल नंबर होगा वो क्या होगा 10, 9 माइनस एक्स प्लस एक्स, तो हमारा न्यू नंबर क्या बनेगा। जब हम डिजिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं मतलब टेंस की प्लेस पे हम एक्स को रखते हैं और यूनिट प्लेस पे हम 9 माइनस एक्स को रखते हैं, तो वो हो जाएगा 10x प्लस 9 माइनस एक्स। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन में कहा गया है जो हमारा ओरिजिनल नंबर है वो न्यू नंबर से 27 ज्यादा है, मतलब प्लस 27। न्यू नंबर क्या है हमारा 10x प्लस 9 माइनस एक्स, और ओरिजिनल नंबर क्या है 10, 9 माइनस एक्स प्लस एक्स और प्लस 27।
नाउ हम सॉल्व कर लेते हैं, टेन एक्स प्लस नाइन प्लस माइनस माइनस एक्स इक्वल्स टू टेन, नाइन ज़ा 90 और 10 इंटू एक्स इक्वल्स टू टेन एक्स प्लस एक्स प्लस 27। 10x में से x जाएंगे तो बचेंगे 9x प्लस 9 इक्वल्स टू 90 एंड 27 कितने हो जाएंगे 117। देन माइनस प्लस माइनस, सो 10 में से x जाएगा तो बचेगा 9x। नाउ हम x की वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, 9x माइनस का 9x लेफ्ट हैंड साइड में आके प्लस का 9x हो जाएगा, 117 प्लस का 9 राइट हैंड साइड में जाके माइनस 9 हो जाएगा, देन 9 और 9 हो जाएंगे 18x और 117 में से हम 9 को माइनस करेंगे तो बचेगा 108। x 108 अपॉन 18। अब हम इसको कट कर लेते हैं, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। x की वैल्यू होगी वो होगी 6, हेंस द टू डिजिट नंबर बी 10, 9 माइनस x प्लस x, सो 10 9 माइनस 6 प्लस 6, सो 10 इंटू 9 में से 6 जाएंगे तो 3 बचेगा प्लस 6, सो 30 प्लस 6 36। तो जो हमारी टू डिजिट नंबर होगा वो होगा 36। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। If you interchange the digits of the two-digit number and add the result number to the original number, so you get 88. So what is the original number? Question says, एक two-digit number है जिसकी first digit सेकेंड डिजिट से 3 टाइम्स ज़्यादा है। अगर हम इनकी वैल्यूज़ को इंटरचेंज करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट होगा वो 88 आएगा। तो हमें बताना है कि जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या है। सो लेट द यूनिट डिजिट of a two digit number be 10x। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जो दूसरी डिजिट है वो उससे 3 टाइम्स है, देयरफॉर द 10th डिजिट भी 3x। नाउ हमारा जो टू डिजिट नंबर होगा क्या होगा, 10 इंटू 10th डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। सो 10 इंटू 10th डिजिट क्या है 3x और यूनिट डिजिट क्या है x, सो 10 इंटू 3 30x प्लस x, सो इट इज 31x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला गया है जो न्यू नंबर है और जो ओरिजिनल नंबर है इन दोनों का सम जो है वो है 88। सो हमारा न्यू नंबर क्या होगा,
टेन एक्स प्लस थ्री एक्स, और जो हमारा ओरिजिनल नंबर है वो है ये, तो ओरिजिनल नंबर हो जाएगा 31x इक्वल्स टू 88। नाउ हम सॉल्व कर लेते हैं, 10x प्लस 3x इक्वल्स टू 13x, 13x प्लस 31 इक्वल्स टू 44x इक्वल्स टू 88। x की वैल्यू आ जाएगी 88 डिवाइडेड बाय 44, 44 वन्स 44, 44 टू 88, तो जो हमारी x की वैल्यू होगी वो आ जाएगी 2। अब हमें टू डिजिट नंबर फाइंड करना है, मींस ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है, सो हेंस द टू डिजिट नंबर बी 31x, सो 31 इंटू 2 इक्वल्स टू 62, तो जो हमारा टू डिजिट नंबर होगा वो होगा 62। क्वेश्चन नंबर 5, शोभास मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोभास प्रेजेंट एज। शोभास एज 5 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। क्वेश्चन में बोला गया है कि शोभा की मदर की जो प्रेजेंट एज है वो शोभा से 6 टाइम्स है। अभी से 5 साल बाद शोभा की एज जो होगी वो अपनी मदर के 1/3 होगी, तो हमें बताना है कि प्रेजेंट एज क्या होगी। सो लेट शोभास प्रेजेंट एज बी 6 इयर्स। सो शोभा की मॉम की एज कितनी होगी, शोभास मदर्स प्रेजेंट एज भी 6 टाइम्स ज्यादा है, सो 6x इयर्स। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला गया है अभी से 5 साल के बाद, सो x प्लस 5, जो शोभा की मदर की एज होगी वो शोभा से 1/3 होगी, सो 1/3 इंटू 6x। नाउ सॉल्व कर लेते हैं, 3 वन्स 3, 3 टू 6, तो ये हो जाएगा x प्लस 5, 1 इंटू 2x इक्वल्स टू 2x। x की वैल्यू को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, सो प्लस का 2x लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस का 2x हो जाएगा, x माइनस 2x इक्वल्स टू प्लस का 5, राइट हैंड साइड में जाके माइनस 5 हो जाएगा। देन प्लस माइनस माइनस, और साइन हमेशा बड़े डिजिट का आता है, तो 2x में से x जाएगा तो बचेगा माइनस x और माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। हैंस शोभास प्रेजेंट एज भी x इयर्स, सो x इक्वल्स टू 5 इयर्स, देयरफॉर शोभास मदर्स प्रेजेंट एज भी 6x इयर्स, सो 6 इंटू 5 मीन्स 30 इयर्स। क्वेश्चन नंबर 6, देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व्ड फॉर अ स्कूल इन मोहाली विलेज, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4। एट द रेट
₹100 per meter, it will cost the village panchayat ₹75,000 to fence the plot. What are the dimensions of the plot? क्वेश्चन में बोला गया है मोहाली विलेज में एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जो स्कूल के लिए रिजर्व है और इस प्लॉट की जो लेंथ और ब्रेथ है वो रेशो में है 11:4 और विलेज की पंचायत को ₹100 पर मीटर के अकॉर्डिंग 75,000 की कॉस्टिंग आएगी। तो हमें बताना है कि इस प्लॉट की डायमेंशन क्या है। लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी 11x एंड 4x। नाउ हम पेरीमीटर ऑफ प्लॉट निकाल लेते हैं। आपको पता है जब भी फेंसिंग की बात होती है मतलब पेरीमीटर की बात होती है। सो हम पेरीमीटर ऑफ प्लॉट कैसे निकालेंगे? टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट ऑफ 1 meter। तो जो हमारी टोटल कॉस्ट थी वो थी 75,000 और कॉस्ट ऑफ 1 meter कितना है? दैट इज 100 पर मीटर। नाउ दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो जो हमारा पेरीमीटर ऑफ प्लॉट है वो आ जाएगा 750 meter। नाउ हम पेरीमीटर ऑफ प्लॉट का फॉर्मूला पुट करते हैं। सो पेरीमीटर ऑफ प्लॉट, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l + b। तो जो हमारा पेरीमीटर है वो आया 750 meter, 2 लेंथ है हमारी 11x और ब्रेथ है हमारी 4x। 750, 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं तो 2 डिवाइड हो जाएगा और यहाँ बचेगा 11x + 4x। नाउ 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 7s are 14 एंड 2 5s are 10। सो ये आ जाएगा 375, 11x और 4x हो जाएगा 15x। नाउ x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सो 375 अपॉन 15, 3 5s are 15, 3 1s are 3, 3 2s are 6 एंड 3 5s are 15, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 5s are 25। तो जो हमारी x की वैल्यू होगी वो आ जाएगी 25। हेंस द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट लेंथ को हमने 11x माना था। सो 11 × 25 = 275 meter। ऐसे ही हम ब्रेथ निकाल लेंगे, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट = 4x। सो 4 × 25, 25 × 4 = 100 meter। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। हसन बाइज 2 kinds ऑफ क्लॉथ मटेरियल्स फॉर स्कूल यूनिफॉर्म्स। शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर एंड ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹90 पर मीटर। फॉर एवरी 3 meter ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 materials ऑफ द ट्राउजर मटेरियल।
He sells the materials at 12% and 10% profit respectively. His total sale is 36,600. How much trouser material did he buy? Question says, हसन ने स्कूल यूनिफॉर्म के लिए दो प्रकार के मटेरियल खरीदे थे। इसमें शर्ट के मटेरियल की जो कॉस्ट थी वो थी ₹50 पर मीटर और जो ट्राउज़र के मटेरियल की कॉस्ट थी वो थी 90 पर मीटर। देन उसने शर्ट के 3 मीटर क्लॉथ के लिए ट्राउज़र का 2 मीटर क्लॉथ खरीदता है। देन जब वो इस मटेरियल को सेल करता है तो उसे 12% एंड 10% प्रॉफिट होता है और जो उसकी टोटल सेल है वो है 36,600। तो हमें बताना है कि उसने ट्राउजर का कितना मटेरियल परचेज किया। लेट रेशो बिटवीन शर्ट मटेरियल एंड ट्राउजर मटेरियल भी Now हम कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल निकाल लेते हैं। सो कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल बी, क्वेश्चन में बोला गया था जो कॉस्ट ऑफ शर्ट है वो है ₹50 पर मीटर। सो 50 × 3x, तो जो हमारी शर्ट की कॉस्ट होगी वो आ जाएगी 150x। नाउ हम शर्ट की सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। सो सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट बी सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। सो 100 प्रॉफिट परसेंट कितना था उसका, 12% अपॉन 100 और सीपी कितना आया हमारा, 150x। नाउ 100 प्लस 12 हो जाएंगे 112 अपॉन 100 इंटू 150x। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 25 × 4 = 100 एंड 25 × 6 = 150। 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, देन 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12। तो ये हो जाएगा हमारा 56 × 3x। देन सेलिंग प्राइस आ जाएगी हमारी शर्ट की 168x। नाउ कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल की जो कॉस्ट थी वो थी 90। सो 90 × 2x, तो ये हो जाएगा 180x। नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल, इसमें भी हम सेम फॉर्मूला पुट करेंगे, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। सो 100 देन 100, प्रॉफिट परसेंट था हमारा 10 अपॉन 100 और जो हमारा सीपी था वो आया 180x। सो 100 प्लस 10 आ जाएगा 110 अपॉन 100 इंटू 180x। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल। तो जो हमारी सेलिंग प्राइस होगी वो होगी 11 × 18x
सो 11 को 18 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 198x. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला गया है कि उसकी जो टोटल सेल है वो है 36,600. सो 168x प्लस 198x इक्वल्स टू 36,600. xx की वैल्यू को हम ऐड कर लेंगे, 168x प्लस 198x इक्वल्स टू हो जाएंगे 366x इक्वल्स टू 36600. x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. सो 36600 डिवाइडेड 366. 366 वन्स आर 366. 366 वन्स आर 366. देन 0 का 0. तो जो हमारा x होगा वो आ जाएगा 100. हमारी x की वैल्यू क्या आ गई? 100. नाउ हम ट्राउजर की कॉस्ट निकाल लेते हैं. सो ट्राउजर मटेरियल भी 2x. सो 2 × 100 इक्वल्स टू 200 meters. हेंस हसन बॉट 200 meters ऑफ ट्राउजर मटेरियल. तो उसने कितना मटेरियल परचेज किया था ट्राउजर का? 200 meters. क्वेश्चन नंबर 8. हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय. द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड. फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड. क्वेश्चन सेज हिरणों का एक झुंड है जिसमें से आधे हिरण जो हैं वो ग्रेजिंग कर रहे हैं फील्ड में और जो बाकी के 3/4 हैं वो पास में खेल रहे हैं. देन जो 9 बचे हुए डियर हैं वो तालाब से पानी पी रहे हैं. तो हमें बताना है कि उस झुंड में टोटल कितने डियर हैं. सो लेट द टोटल नंबर ऑफ डियर बी एक्स. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला गया है कि हाफ ऑफ द डियर, मतलब टोटल डियर इतने हैं और हाफ, तो इसके हाफ हो जाएंगे x बाय टू. x बाय टू जो हैं वो फील्ड में ग्रेजिंग कर रहे हैं और उसके जो 3/4 बचे हुए हैं वो खेल कूद कर रहे हैं. सो प्लस 3/4 इंटू एक्स माइनस एक्स बाय टू. ये क्यों लिखा मैंने? क्योंकि इसके बचे हुए, मतलब इन दोनों के जो बचे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं? इधर उधर खेल कूद रहे हैं. देन जो रिमेनिंग के 9 हैं वो पानी पी रहे हैं. सो प्लस 9. नाउ अब हम सॉल्व करते हैं. सो एक्स इक्वल्स टू एक्स बाय टू प्लस 3/4. एक्स के नीचे 1 लेके हम एलसीएम ले लेते हैं. 2 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 2. 1 के टेबल में 2 2 टाइम्स में आता है. सो 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 के टेबल में 2 1 टाइम्स में आता है. सो 1 इंटू एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 9. एक्स एक्स अपॉन 2 प्लस 3/4 इंटू 2x में से x जाएंगे तो बचेंगे x अपॉन 2 प्लस 9 इक्वल्स टू x बाय 2. 3 इंटू x इक्वल्स टू 3x एंड 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 8 प्लस 9. नाउ हम x की वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं. सो x प्लस का x बाय 2 लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस का x बाय 2 हो जाएगा और प्लस का 3x बाय 8 लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस का 3x बाय 8 हो जाएगा इक्वल्स टू 9.
x के नीचे हम 1 ले लेंगे और एलसीएम ले लेते हैं, 2 और 8 का एलसीएम आ जाएगा 8, 1 के टेबल में 8 टाइम्स में आता है, सो 8 इंटू एक्स इक्वल्स टू 8x, और 2 के टेबल में 8 4 टाइम्स में आता है, सो 4 इंटू एक्स इक्वल्स टू 4x, 8 के टेबल में 8 1 टाइम्स में आता है, सो 8 इंटू 3x इक्वल्स टू 3x इक्वल्स टू 9, 4x और 3x हो जाएंगे 7x, और 8x में से 7x जाएंगे तो बचेंगे x अपॉन 8 इक्वल्स टू 9, सो x की वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 8, 9 8 सा 72, हैंस द टोटल नंबर ऑफ DOB क्वेश्चन नंबर 9। अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर, ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। क्वेश्चन इज जो ग्रैंडफादर हैं वो अपनी ग्रैंडडॉटर से 10 टाइम्स बड़े हैं, ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, और वह 54 ईयर्स भी बड़े हैं अपनी ग्रैंड डॉटर से, सो हमें बताना है कि उनकी प्रेजेंट एजेस क्या है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर बी एक्स, हम ग्रैंड डॉटर की एज को एक्स मान लेते हैं, एक्स ईयर्स। देयरफॉर ग्रैंडफादर्स एज भी वो उससे 10 टाइम्स बड़े हैं, सो 10x ईयर्स। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला गया था कि जो ग्रैंडफादर की एज है 10x, ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, जो ग्रैंडफादर हैं वो 54 ईयर्स ग्रैंडडॉटर से बड़े हैं, सो x प्लस 54। नाउ हम सॉल्व कर लेते हैं, 10 प्लस का x लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस x हो जाएगा इक्वल्स टू 54, सो 9x इक्वल्स टू 54, x इक्वल्स टू 54 अपॉन 9, 9 वन्स आर 9, 9 सिक्स आर 54, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 ईयर्स, हैंस ग्रैंड डॉटर एज भी 6 ईयर्स, That means 6 years, और grandfather की age हो जाएगी 10x years, so 10 into 6, that means 60 years। Question number 10, Aman's age is 3 times his son's age. 10 years ago, he was 5 times his son's age. Find their present ages. Question says, Aman ki age uske bete se 3 times zyada hai. Aur 10 saal pehle uske son ki jo age hai, wo usse 5 times thi. To hume batana hai ki unki present age kya hai. Let the present age of Aman's son be x years. Therefore,
अमन सेज भी वो उसके 3 times ज्यादा है, सो 3x years। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा गया है 10 साल पहले, सो 3x-10 इक्वल्स टू x-10। अमन जो था वो अपने बेटे की एज का 5 times था, सो ये हमारी इक्वेशन बन गई। नाउ हम सॉल्व करते हैं, 3x-10, 5 का x में इंटू 5x और 5 का 10 में इंटू 50। नाउ x की वैल्यूज को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, 3x प्लस का 5x लेफ्ट हैंड साइड में आके -5x हो जाएगा, -50 माइनस का 10 राइट हैंड साइड में जाके +10 हो जाएगा। 3x में से 5x जाएंगे तो बचेंगे -2x और -50 में से +10 जाएंगे तो बचेंगे -40। माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ जाएगी 40 डिवाइडेड बाय 2, 2 ones are 2, 2 twos are 4, 0 का 0, तो जो हमारी x की वैल्यू होगी वो होगी 20। हेंस अमन्स सन एज भी x years, दैट मीन्स 20 years। Therefore, Aman's age be 3x years. So, 3 into 20 equals to 60 years. अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।